सभी दर्शकों को नमस्ते, जय जिनेंद्र। अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को और शेयर करें। आप क्या कर रहे हो? पता नहीं कब मैंने लिखा है, लेकिन इस दिन मैंने कुछ लिखा है डायरी की तरह। सुनाना क्या लिखे? मैं सोफे पे बैठा था, वो मेरे ऊपर 40 किलो की टांग रखी। 40 किलो की रखी है इसने? दोनों टांग तो भी बहुत ज्यादा है। थक के मुझे प्यास लगी, मैं 1 मिनट के लिए पानी पीने उठा। जैसे ही मैं उठा और चेयर पे बैठा, वो उठ गई एंड मेरे पे चिल्लाने लगी, पानी भी पीने नहीं दिया। यार क्या कौन सा झगड़ा होता है ना। फिर चली गई, अंदर चली गई एंड मेरे से एक्सपेक्ट किया कि मैं पानी पिए बिना अंदर आ जाऊं, पानी पी के जब तक सांस लेता तब तक महादेव खत्म हो गया। पानी जब तक पेट में जा रहा था तब तक मैंने कैंडी क्रश खेला टाइम देखने के लिए। पानी उतरा नहीं था कि अंदर से देवी प्रकट हुई। देवी ने मुझे लज्जित किया। उसके उपरांत मैं अंदर आके लेटा, लेकिन देवी बाहर सूखे पे सो गई। जब मैं बाहर मनाने एवं अंदर ले जाने आया तो देवी ने अपने प्रचंड आवाज। मैं लिख रहा हूँ, तुमने लिख रहे हो, समझ में आया? प्रचंड क्रोध से मुझे लात मार सोफे से गिरा दिया। फिर मेरे याद है क्या तुम्हें? नहीं, आगे पढ़ो। मेरे मुंह में कारपेट की धूल चली गई तो धूल को साफ करने और मंजन करने गया तो लेख लिख लो क्या अभिषेक ने अपने इंजीनियरिंग बुद्धि से दरवाजा तोड़ दिया। बस और उसके बाद जब अपने बाथरूम में सुनाया था वो कौन लिखेगा? हाँ, फिर बाथरूम में मुझे भी क्रोध आया और मैंने बोला कि ये व्यवहार सही नहीं लग
रहा मुझे तो देवी गुस्से में। और क्या है इसके बाद क्या हुआ था, याद है क्या? बताओ गुस्से में तुमने क्या किया था? मुझे नहीं पता, आई थिंक मैं सो गई होंगी। चल झूठी। हाँ मैं गुस्से में सो जाती थी, मुझे याद है मैं सो ही गई होगी। मैं बोल रही हूँ ना आपको, मैं सो गई थी, मैं बता रही हूँ आपको मैं सो गई थी, आप प्लीज मत सोचो। पता नहीं मेरी पत्नी पत्नी। मेरी पत्नी मुझे सताती है।